रविवार के दिन जब हम सब दिवाली का त्योहार मनाने की तैयारी कर रहे थे, उस दिन कई घरों में मातम सा छा गया। दरअसल उत्तरकाशी में सिलक्वारा सुरंग का हिस्सा ढहने के चलते वहां करीब 40 मजदूर फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक जारी है, आधा मलबा साफ कर दिया गया है, लेकिन अब भी मजदूर वहीं फंसे हैं। इस बीच मजदूरों से संपर्क भी साधा गया, पता चला कि वहां सभी लोग सुरक्षित हैं। एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट करमवीर सिंह भंडारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सुरंग के अंदर फंसे सभी 40 मजदूर सुरक्षित हैं। हमने उन्हें पानी और खाना मुहैया करा दिया है, बचाव कार्य भी जारी है। गीले मलबे के चलते थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन हमारी टीम कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अच्छा, अभी हमारी टीम ने अंदर मूवमेंट किया है तो देखा है जो कल से जो काम हुआ है वो अभी 10 से 15 मीटर और खुदाई हो चुकी है। अभी जो हमें खबर मिली है कि अंदर सारे के सारे जो हैं सुरक्षित हैं, उनको हमने जो है खाने के कुछ चिप्स और पानी की व्यवस्था उनको दे दी गई है और सब सुरक्षित हैं। हमें उम्मीद करते हैं कि आज हम प्रयास करके उनको बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, क्या फिगर बताया जा रहा है कि लोगों का अंदर कितने लोग हैं? सर, जिस तरीके से बताया 40 लोगों का फिगर बताया जा रहा है कि हाँ हाँ ये 40 की खबर है। हमारे से कम्युनिकेशन हुआ था तो उन्होंने बताया 40 लोग अंदर हैं, लेकिन सारे के सारे सुरक्षित हैं अभी। सर, एक व्यवधान बताया जा रहा है कि बीच में जैसे अगर थोड़ा सा खोला जा रहा तो फिर ऊपर से बलवा जा रहा है। जी 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 जी, ये तो है सर, अंदर की जिस तरीके से बलवा बार बार दिक्कतें आ रही है रेस्क्यू करने में। हाँ, देखिए जो टनल का जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके 200 मीटर तक तो पूरा का पूरा बढ़िया से उसका प्लास्टर वगैरह होके सेट हो रखा है, लेकिन उसके आगे जो टनल का जो काम चल रहा है वहाँ पे भी प्लास्टर का काम नहीं हुआ है, जिस वजह से जो है वो अचानक से नीचे बैठ गया है। अभी जो मशीन से लगी हुई है खुदाई करने के बाद जो एक्सकवेशन का काम कर रही है तो वो करते करते साथ ऊपर से मलबा भी गिर रहा है, ये समस्या थोड़ा हमें पैदा कर रहा है। मलबा थोड़ा सा गीला सा हैवी होके नीचे धस रहा है। सर, कब तक माने कि लोग सुरक्षित बाहर निकल जाएं? सर, आज का दिन माने? हम तो सोचते हैं कि आज हो जाना चाहिए, हम तो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, बाकी लोग भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। हमारी एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे कल रात से लगी हुई है, जब से पता लगा हमें हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और पूरी मतलब हम पूरे साथियों सामान के साथ यहाँ पे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। बाकी आप सिचुएशन तो यही है कि ऊपर से मलबा गिर रहा है और अभी गिरना थोड़ा कम हुआ है। इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर इस गंभीर हादसे का जिम्मेदार कौन है? बता दें कि ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रहा 4.5 किलोमीटर लंबा टनल है। ये टनल उत्तरकाशी में सिलक्यारा और डंडाल गांव को जोड़ेगा। ये चार धाम परियोजना का हिस्सा है। रविवार सुबह अचानक से भूस्खलन हुआ और निर्माण अधीन टनल में 40 मजदूर फंस गए। सरकार ने अब जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड सरकार ने इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में 6 लोगों को शामिल किया गया है। ये कमेटी इस हादसे के कारणों का पता लगाएगी। इस समिति में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के उप महानिदेशक द्वारा नामित अधिकारी, वाडिया हिमालयन भू वैज्ञानिक संस्थान देहरादून के निदेशक द्वारा नामित अधिकारी, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून के निदेशक द्वारा नामित अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के निदेशक द्वारा नामित अधिकारी, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देहरादून के भू वैज्ञानिक, उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र देहरादून के वरिष्ठ भू वैज्ञानिक इस समिति में शामिल है। क्या कुछ वजह रही इस भूस्खलन की, ये जानने के लिए सरकार जांच कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।